हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम एक लेसन करेंगे बड़ा ही इजी सा। अगर आपने अभी एक दो दिन पहले ही गिटार सीखना स्टार्ट किया या एक दो महीने पहले स्टार्ट किया तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल लेसन होगा ये। एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बड़ा हाई करेगा, बूस्ट करेगा ये। एंड सिंपल इजी सा लेसन है, कोई हेर फेर नहीं, कुछ नहीं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं चाहता हूँ इस साल के एंड होने तक हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर हों। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया। अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ देखते हो बिना सब्सक्राइब किए, प्लीज़ उसको कर दें। एंड अगर आपको कोई मैसेज करना हो, कोई बातचीत करनी हो, कुछ भी हो, तो इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। तो कुछ नहीं करना है इसके लिए आपको, बस ई मेजर कॉर्ड आनी चाहिए आपको, ठीक है। कोई और ट्रिक, हिडन ट्रिक नहीं या कुछ, कोई शेप नहीं उल्टी पुल्टी जो आपको परेशान करे, ठीक है। ई मेजर आनी चाहिए आपको। फर्स्ट फिंगर हम रखेंगे थर्ड स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट के, थर्ड वाली फिंगर को रखेंगे फोर्थ स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट के, जो मिडल वाली फिंगर बच गई उसको हम रखेंगे फिफ्थ स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट के ही। तो ई मेजर शेप इसी को मूव करना है हमने। ये हमारा फर्स्ट फ्रेट है, ठीक है। फर्स्ट फ्रेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सिक्स्थ पे ले जाना है इसको, ठीक है। ए एड 9 एंड इसी शेप को दो स्टेप और आगे, एक दो, बी एड 11। तो एक ही शेप है, ई मेजर की शेप है, एक ही पैटर्न है। हर कोई सबसे पहले यही वाली कॉर्ड सीखता है, ठीक है। आपने अभी तक ये सीख ही ली होगी ई मेजर, नहीं सीखी तो आप इसको ट्राई करना। इसी को मूव करना हमने छठे फ्रेट पे, मतलब जो हमारी फर्स्ट वाली फिंगर है वो छठे पे होनी चाहिए और ये जो ये वाली दो है ये साथ में पे। एंड देन इसी को मूव करना दो फ्रेट आगे, एक दो, मतलब फर्स्ट वाली फिंगर आठवें फ्रेट पे है एंड ये वाली दो नौवें पे है। तो मैंने कैसे लिखा है, फर्स्ट फ्रेट, सिक्स्थ फ्रेट एंड एट्थ फ्रेट, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यही आपने, यही पैटर्न है, कोई हिडन, कोई उसमें वो नहीं, कोई और शेप में डाल दूंगा या कोई और कुछ होगा, इसी में आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ पैटर्न पे ध्यान दूंगा, गाने आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रमिंग पैटर्न भी आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लकिंग कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, ये वाली ई मेजर लेंगे तो 6 से आपने स्टार्ट करना है, 6 5 4 3 2 1। जब ये वाली लेंगे ए एड 9 तो 5 4 3 2 1, और इसमें भी 5 4 3 2 1, उसमें 6 से स्टार्ट करना, ठीक है, 6 से, इनमें 5 से। तो बाकी स्ट्रमिंग पैटर्न में अगर आपसे हिट भी हो जाता है एक्सीडेंटली, कोई चक्कर नहीं, आप कोई भी ले सकते हैं। डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप, या फिर डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप। ओके, ये सब कुछ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ, और आपको हल्का सा एक स्पाइस भी इसमें मैं बताऊंगा आपको, अगर आपको चाहिए होगा तो, ठीक है। हल्की सी एक और चीज़ जो आपको इसमें और मज़ा देगी। तो फिलहाल पहले आप इसमें देख लो, कोई भी आप इसमें गाने गा सकते हो अपनी वॉइस के हिसाब से, ठीक है। जो लोग सिंगिंग करना चाहते हैं वो मतलब ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं इसका, और ये ओरिजिनली यूज़ भी हुआ है, ठीक है, बड़े गानों में यूज़। वैसे तो उन्होंने इस टाइप से यूज़ किया है, बार लगा के इनको नीचे को ओपन ही रखा है, बट आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे वो गाना था, खड़ा हूँ आज भी वही कि दिल फिर बेकरार है, खड़ा हूँ आज भी वही कि तेरा इंतजार है। छूलो वाला बाय लोकल ट्रेन, इसमें कर सकते हैं। स्पाइस इसमें जब मैं ऐड करूंगा तो आप इसमें और मजा कर सकते हो। पूरा वीडियो देखना, ठीक है, छोड़ना नहीं। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी छोटे मोटे सारे गाने अब अगर आपकी वॉइस के हिसाब से आप बिठा सकते हो तो आप बिठा सकते हो, ठीक है। Okay.
जिद ना ओके तो इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, पुराने गाने, नए गाने, अपनी वॉइस के हिसाब से. ओके सिंपल सा पैटर्न है, उसी को ड्रैग करना अपने इधर से इधर, इधर से इधर, एंड आप गा सकते हो. ठीक है, सिंपली है क्या ये ई ए एंड बी. ठीक है, उसकी हम वो कॉर्ड्स ले रहे हैं इजी टाइप की, ए एंड 9, बी एंड 11, तो इस टाइप से. अब स्पाइस क्या था, ठीक है, स्पाइस आप पूछोगे तो वो ये है कि जैसे ये ई मेजर है, इस पूरी कॉर्ड को एक स्टेप नीचे करते हैं ऐसे, क्या बनता है ए माइनर. ठीक है, जैसे ये है, पूरा एक एक स्टेप नीचे करते हैं इसको, ऐसे ऐसे कर दें हम. ठीक है, ऐसे था ये, एक एक स्टेप नीचे करते हैं ऐसे, तो बना ए माइनर. ठीक है, फर्स्ट फिंगर यहाँ पे, थर्ड वाली वही यहाँ पे, देन ये इसके ऊपर. अब इसको मूव करना, हमने ये पहला फ्रेट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. ठीक है, पांचवे फ्रेट पे ए माइनर की शेप, देन यही था आठवां फ्रेट, उधर वही ई मेजर वाली शेप, एंड देन छठे फ्रेट पे वही ई मेजर वाली शेप. तो ये स्पाइस था. अब हमें मिल गया एक किस्म का सी शार्प माइनर, ठीक है, बी मेजर एंड ए मेजर, मतलब हम उसका रेप्लिका ले रहे हैं किस्म का. अब हम वो वाले सारे गाने कर सकते हैं, तो इसमें आप स्पाइस ऐड कर सकते हैं. अगर आप बिगिनर हैं तो इसी से स्टिक करना. ठीक है, जो चीज मैंने आपको बताई थी अब आप वो यहां से कर सकते हो. ठीक है, जो स्टार्टिंग में हमने ऐड की थी, जो मैंने आपको कहा था स्पाइस ऐड करने के बाद आपको बताता हूँ. खड़ा हूँ आज भी वही कि तेरा इंतजार है, खड़ा हूँ आज भी वही कि वही तेरी आस है, छोड़ो जो मुझे तो कभी कौन जाऊं मैं रात भर, नजरों में तुम हो बस. ओके तो अब आप ये चीज ले सकते हो, ऐसे ऐसे एंड ऐसे, एंड कोई भी गाना ले सकते हो. ठीक है, आप कोई भी, अब तो आदसी है मुझको ऐसे जीने में जुदा होके भी, तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों पे बन के आंसू तू चली आती है, जुदा होके भी माने ना मन मेरा. कभी चुप चुप रहे कभी गाया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफ सुनाया ये करे, है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है, दिल जाने अगर तो इतना कि ये तेरा दीवाना. तो बड़ी सारी चीजें आप कर सकते हो, तो यही वो वाला पैटर्न था इंप्रेस एनीवन वाला, तो आप इसको कर सकते हो सिंपली, या तो ये इधर से इधर,
या फिर आप ये ऐड कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसमें आप बड़े सारे गाने कर सकते हो, वो मैंने वो पहले ही बोला, वो आपकी चॉइस है। ओके, तो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पुराने वीडियोज भी देखें, नए वीडियोज को लाइक करें। ऐसी और वीडियो चाहिए तो मेरे को जरूर बताएं कैसे आपको चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो सब कुछ देखते रहें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया। थैंक यू सो मच।